ਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ ਫੱਫਾ ਕਹੇ ਫਿਰੇ ਬਨੂ ਛੱਡ ਬੰਦਿਆ ਫੱਫਾ ਕਹੇ ਫਿਰੇ ਬਨੂ ਛੱਡ ਬੰਦਿਆ ਅਜੇ ਵੇਲੜਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਬੀੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾੜ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਨਾਲ ਜੀ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆਰੇ
श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सोची दे निघी बोधा आनंद मान रहे गुरु रूप गुरुसारी सतसंग जी हो जिथे आप जी अपने दुनियावी धंधे संधारा छड़ के गुरु चरणों में अपनी जिंदगी गुरु चरणों में लगा सफलियां करने की केतरा जानी कृपालता कर रहा उत्थे बहुत समय तो कीर्तन सरवर कर रहा सी सास समा उही है जिहड़ा गुरु चरणा में लग जाए जिंदगी उही जिहड़ी गुरु चरणा में गुजर जाए बाकी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। फिरत पर आया इहदा मतलब ये नहीं कि चंडीगढ़ फिर के आ गया जां मैं कनेडा फिर के आ गया जां अमरीका फिर के आ गया जां इंग्लैंड फिर के आ गया इहदा मतलब ये है कि बंदा पता नहीं किन्नियां जूनियां च तके खांदा है कई जन्म पै कीट पतंगा कई जन्म गज मीन कुरंगा कई जन्म इनू इस तू पहला कीड़ियां दे धारण करने पैने कई जन्म मकौड़िया के धारण करने पैने कई जन्म सप्पां दे जिन्नियां भी जूनियां ने एक घर 84 लख जूनियां दे विच ये बंदा तके खांदा खांदा इहदे ते वहिगुरु की कृपा हुई ते इहनूं मनुखा जन्म मिल गया। मन की मन ही माहे रही आया ते नाम जपण वास्ते सी अजय जी बचपन जी खाण पीण का वेला है बड़ी जिंदगी पई है नाम जप लांगे मन दियां मन विच रह जांदियां ने बंदे दियां मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गई ना नाम जपया ना गुरु अस्थाना दे दर्शन कीते समा केड़ा आ गया जदों काल ने आ के इनू चोटी तू भाव केसा तू फड़ लिया दारा मीत पूत रत संपत धन पूर्ण समई अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही। दारा कहंदे ने इस्त्री नू मीत मित्र दारा मीत रू अगे संपत कहंदे ने धन नू तारा मीत संपत माफ करना धन पूर्ण समई पर महाराज कहंदे ने अवर सगल मिथ्या ए जानो इनू झूठा करके मनो भजन राम को सही। स्कूलों दे विच बच्चे पढ़ते ने कई दा पेपर काला करके आ जाते ने पर नंबर उस सवाल दे मिलते ने जिहड़ा सवाल ठीक हुंदा। इत्थे कई आउंदे ने लंगर छकिया दे मत्था टेकिया घर नूं चले जांदे ने जिहड़ा कम करन वास्ते आए हो उह कम विच्चे रह जांदा रोटियां तुसीं अपने घरां च वी खांदे हो। अगे पातशाह फरमाउंदे ने फिरत ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਲਾ ਲਓ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ
बहुते युग पता नहीं किन्ने युगों के धक्का धक्के खांदा आया, फिरत फिरत बहुते युग हारियो, फिर इनू मानस देह मिली, इनू मनुखा जन्म मिल गया। माफ करना, नानक कहत मिलन की बरिया। बरिया कहंदे ने वारी नू, भई प्राप्त मानक दोहरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। इनू मनुखा जन्म मिल गया, जदों रब ने इहदे ते तरस खादा, इन मनुखा जन्म मिल गया। इस मनुखा जन्म च आके ही नाम जप सकदा, दान कर सकदा, मनुखा जन्म च आके ये अमृत वेले का इशनान कर सकदा। पर नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहां नहीं। तो सिमरन क्यों नहीं करता? ये तेरा परमेश्वर से मिलन का समय, तू सिमरन क्यों नहीं करता? तू नाम क्यों नहीं जपता? इन पातशाह समझाते ने, और जिंदगी के खीर तक चली गई कि जिंदगी की चीज है। माफ करना, जिंदगी की चीज है, जीवन की चीज है। माफ करना, बहुते युग फिरदे फिरदे नू, बहुते युग फिरदे फिरदे नू, बहुते युग फिरदे युग फिरदे फिरदे नू, बहुते युग फिरदे फिरत फिरत बहुते युग हारे हो। एदी हालत पता की सी? काहे फिरत पे हो? फूलिया फूलिया, जो दस मास उर्द मुख रहता, सोदन कैसे तेनू समय किवें भुल गया है? ओ मूर्ख इंसान, जदों मां दे गर्भ दे विच उल्टा लटकदा सी, मां दा खादा राशन पानी मल मूत्र गंदगी विस्टा दा रूप धारण करके तेरियां नासां दे उत्तों दी जांदा सी, उत्थे तेरी हालत सी। अरदासां करदा सी, मुख तले पैर उपरो वसंदड़ो कुहत्थड़े थाए, नानक सो धनी क्यो सारी है जिस उधर है जिस दिन आए। मूह थले सी, लत्तां तानू सन। तू कदी सोचिया? तू उत्थे अरदासां करता सी, बेनतियां करता सी, प्रभु मैनू इत्थों बाहर कढ। सब तू वड्डी नरक गुरु नानक पातशाह ने जीव दे माता दे गर्भ च आउण नूं दस्या। माफ करना, अरदासां करदा सी, एवें नहीं कि मैं मूर्ख की केतक बात है। कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना गर्भास ना गर्भ दा। अरदासां करदा सी, वहरू अंतर जमी, दयालु है, मेहरबान है, परमेश्वर ने एदे ते तरस खादा। तेरा कीता जातो नाई, मैनू जोग कतोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाई, आपे तरस पियो होई, तरस पिया में राम तो होई, सतगुरु सज्जन मिले आ,
नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे। परमेश्वर एदे ते तरस आया। अरदासां करता सी, वैसे भी बंदा एक बार अमरीका गए, एक कहना मैं जदों अमरीका आया ना, मैं पांच खंड पर सुखे एक यू पंजा तहतां ते। मैं क्या वो करवाए किन्ने अमरीका दे पहुंच गया? कहिंदा करवाया एक भी नहीं, करवाया एक भी नहीं। दुनिया की फिदरत है, दुनिया का सवाह है, लै लै मुकर पौंदे काचे। कच्चे बंदे झूठे बंदे रब तू दाता लै लै के भुड़ जाते ने। उन्हों परमेश्वर ने तरस खादा दिते, आख्या याद रखी तू उस धरती दे चले है जिथे दी हवा ऐसी है कि बड़े बड़े बंदे ने भुला के रख दिंदी है। एक कहिंदा जी मैं तेरा स्वास स्वास सिमरन करांगा, स्वास स्वास सिमरन करांगा। परमेश्वर कहिंदा तू मैनू स्वास मेरा सिमरन की करना? इंज करी 24 घंटे दे विच्चों तू ऐ करी 2.5 घंटे सिमरन करी। आ 2.5 घंटे सिमरन करी ते दसवां दसवंध अपनी किरत दा दान पुन करी गुरु घर दे उत्ते लाई। जे तू ये दो कर्म करेगा तेरा भला हो जाएगा, तेरा दुनिया ते जाया सफला हो जाएगा। कि आपां करदे हैं आ क्यों लोगों नूं बीमारियां लगदियां ने? दसवां हिस्सा तो गुरु का परमेश्वर का जिहड़ा वादा करके आए हैं। जे असी वो गुरु का खावांगे दसवंध नहीं देवांगे फिर सानू बीमारियां लगनगियां। परमेश्वर कहिंदा इस तू अगे जे तू स्वास स्वास मेरा सिमरन करेगा फिर इन्ना याद रखी तेरा तो भला हो ही जाएगा, तेरी कुल का भला भी हो जाएगा। इस तू अगे परमेश्वर कहिंदा जे 8 पैर तू मेरा नाम जपेगा तेरे ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहेगा, तू मेरा ही रूप हो जाएगा। जिवें एक लोहे दे टुकड़े नू अग दे विच रख दिए उन्ना ही लाल हो जांदा जिन्नी अग लाल हुंदी है। उस लोहे दे टुकड़े विच उन्नी शक्ति आ जांदी है जिन्नी अग अग च आउंदी हुंदी है। उस लोहे दे टुकड़े नू अग दे विच खिच के जिथे लाओगे वह माफ करना साड़ नू समर्थ होएगी। ए फिर परमेश्वर कहिंदा तू मेरी मेरा रूप हो जाएगा। तेरिया तिन्ने जिम्मेवारियां ने तेनू सोचण दी लोड़ ने, कुल्ली घर, जुल्ली तन ढकण नू कपड़े, गुल्ली खाण नू रोटी। तेरी कुल्ली जुल्ली गुल्ली दी जिम्मेवारी मैं अपने सिर ते ला लांगा, तेनू कोई सोचण दी लोड़ नहीं पवेगी। नहीं जी मैं 8 पैर भज नहीं करांगा जी, भज नहीं करांगा मैं तेरा जी, मैं 8 पैर सिमर नहीं करांगा। एक सेकंड पहला मां दे गर्भ च उल्टा लटकदा अरदासा करदा सी, जन्म लैण दी देरी होई विचों गर्भे निकल आया खसम विसार दुनी चित लाया। जन्म लैण दी देरी होई, दुनिया ने प्यार पालिया ते परमेश्वर नूं भुल गया। परमेश्वर फिर इनू कहिंदा जद पुट्ठा लटकदा सैं इहो दिन भुल गया।
लटकता ओ दिल भुल गया, ओ दिल भुल गया, पुठा लटकता ओ दिल भुल गया, ने ओ दिल भुल गया। ऐसा समाया ए सब कुछ ही भुल गया। हाँ, इहदे पिछले जन्म दे चंगे किसे कर्म ने इहदा साथ दित्ता। एक कर्म ने जिहड़े माड़े ते चंगे कर्म, माड़े कर्म नूं रब धूर दूर हो जाते ने। गुरुद्वारे की रखिया, बाणी पढ़न का की फायदा है, अमृत छकन का की फायदा है, सतसंगत विच जाण का की फायदा है। माड़े कर्म इस पासे नूं आउण नहीं दिंदा। किसे चंगा कर्म जागिया, कोई पूरला पूरबला जन्म जागिया चंगा, माफ करना इनू पूर्वले कर्म ने इनू सतसंगत मिलाती। वडभागी साध संग प्राप्त, भेट तो दुरमत माफ करना। पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रस के बरागी। इस सतसंगत विच आया, सत संगत विच आ के जिन्हें सत पुरशां दे दर्शन किए, वह पिछले कर्म कर्मां ने साथ दिता। पूर्व कर्म अंकर ज प्रगटे, भेट्यो रसक पुरख रसक बैरागी। मिट्यो अंधेर मिलता हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। वह जड़े कर्म सन जिमें संगत की, अग्ञानता रूपी नेरा दूर होया। जिमें मैले कपड़े से साबण लाया जाए, वो मैल निकलती है, धोंदे धोंदे वह साफ हो जाता है। इस तरह यदा मन पवित्र होया, कुछ मन साफ होया संगत करके। फिर इतू अगे किसी चंगे कर्म ने साथ दिता, चंगे कर्म ने साथ दिता, माफ करना। इन्हें अमृत छक लिया, इन्हें अमृत छक लिया। अमृत पीवो सदा थिर, सदा थिर जीवो। अमृत छक लिया, होर चंगे कर्म ने साथ दिता। अमृत वेला सच नाम, वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा, नदरी मोह द्वार। इन अमृत वेले जागना शुरू किया, होर चंगे कर्म ने साथ दिता। इन्हें स्वास स्वास सिमन करना शुरू कर दिता, होर चंगे कर्म ने साथ दिता। दुनिया के नालों टुट गया, परमेश्वर नाल जुड़ गया। माफ करना, जदों कोई मनमुख आउंदा सी उन्हूं वेख के दूर भजदा। साकत संग न कीजिए, साकत संग न कीजिए, दूरू जाइए भाज, बासन कारो पसिए, तो किश लागे दाग। कहने ने काले का माफ करना, साकत नूं वेख के दूर भजो। कबीर जी कहते ने,
ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤ ਵਿਵੇਚਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਪੁਰਬਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਪੁਰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੂਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਝੂਲਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਝੂਲਣਾ, ਭੁੱਕੀਆਂ ਜਰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਝੂਲਣਾ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਪਈ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਲਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ 'ਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਲਣਾ, ਖਾਗ ਝੂਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਖੜਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੁੱਖ ਖੜ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਸੰਗ ਦੀ ਮਰਾ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਸੰਗ ਦੀ ਮਰਾ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਸੰਗ ਦੀ ਮਰਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਸੰਗ ਦੀ ਮਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਕੁਸੰਗਤ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਤਿਆ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ
जिन्हां नूं सत संगत मिल गई, यह संगत ही सी ना कहो वाहिगुरू, यह संगत सी ना, यह संगत ही सी गुरु नानक दी संगत भूमे चोर नूं मिली ते देवता बन गया। सत संगत तार नूं समर्थ है, कोई संगत डुबन नूं समर्थ है। यह सत संगत ही सी ना बंदियां नूं तल तल के खाण वाला कौडा राक्षस देवता बन गया। यह सत संगत ही सी ना माफ करना खूनी खूह बनाया सी सज्जन ठग ने, जो जेब च भी निकलदा आउंदे जांदे राहियां दे कपड़े संतां दे को कर्म ठगां दे ते ना सी सज्जन। माफ करना उस सज्जन नूं जद गुरु नानक दी संगत मिली ते सज्जन देवता बन गया। ये सत संगत सी सी ना, एक बारी कहो वाहिगुरू, ये सत संगत ही सी। संत मार्ग दे बानी संत बाबा अतर से मस्तू आने वाले दिल्ली कीर्तन कर रहे ने, सिद्धियां धारना का कीर्तन उन्हां तों चलिया सी। कीर्तन कर रहे ने माफ करना पांच पांच मील तक उन्हां दी आवाज जांदी सी लाउड स्पीकर तों बिना। कहिंदे दिल्ली दियां 360 वेसमावां बाबा जी दे कीर्तन विच आईयां, महापुरख बचन के बली सारे पढ़ो, महापुरख बचन के बली। ओ बचना दे सूरमे ने जिन्हू बचन कर देंदे ने, जे कोई कमाई कर ले तो उहदा बेड़ा पार हो जांदा। कीर्तन करदे करदे संत बाबा अतर से मस्तू आने महापुरख कहिंदे दिल्ली दियां 360 वेसवामां आ गईयां, संगत दा रश बड़ा सी। उत्थे बंदे सारे जानदे सन कि इहनां दा जीवन चंगा नहीं, इहनां दा जीवन चंगा नहीं, माफ करना इह वेसवामां ने। ओह वेखदे रहे जदों महापुरखां नूं दे नेड़े पुज्जियां, मत्था टेक के ना पिछे लगियां मुड़न, महापुरख बाबा अतर सिंह महाराज कह लगे सा संगत एक पासे हो जाओ, इत्थे जगह बीबियां नूं बैठ नूं दिओ, इत्थे संग इत्थे बैठ नूं जगह बीबियां नूं दिओ, बीबियां नूं। ਉਹ ਵੇਸਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਤਾ, ਵੇਸਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਸਤੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਵੋਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ
जेड़े लोग इंसानियत तो गिर चुके सन। बाबा नानक उन्हां लोकां कोल गया जिन्हां दे जीवन दे बेड़े गर्क हो चुके सन। बाबा नानक उन्हां कोल गया जेड़े इंसानियत ते रब दे राह नूं भुल चुके सन। ओह चंगियां नूं ते हर कोई चंगा कह दिंदा, चंगियां नूं ते चंगा कह सकदा, भलिया नाल भलियाई करनी ये सब जग जाने, बुरिया नाल भलियाई करनी है गुरु नानक ही जाने। बुरिया नाल भलियाई करनी ये गुरु नानक ही जाने। कहते ने महापुरखा ने आख्या हां बीबी हो क्यों नहीं तुहाडा भला हो सकता, जैसे बालक पाए सपाही लख अपराध कमावे पिछले औगुण बख्श कर उपदेश चिड़के बो पाती बोल पिता गल पुत माफ करना सुत सुत अपराध करता है जेते। बच्चा किनिया गलतियां करता है, मां एक भी याद नहीं रखती। कई बारी प्यो बच्चे नूं कुटन लगता है डांटता है, पर जिहड़ी मां है अगे होके कह दिंदी है खबरदार जे मेरे पुत्र कुछ किया ते बाणी साडी मां है, बाणी साडी मां है। मां समझाउंदी है, गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी बाणी है जिहड़ी ये सानू समझाउंदी है। मां कहिंदी माड़े काम नहीं करने बेटा, चंगे काम करी दे ने स्याणे बणी दा। बाणी भी सानू स्याणा बनने वास्ते कहिंदी है, सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना रख तेते। मां जिन्ने बच्चा जिन्ने मर्जी पाप करे मां एक भी याद नहीं रखती। खालसा जी मेरे पुत वर्गा कोई है ही नहीं। माता याद ना रखती अवगण बच्चियां दे, माता याद ना रखती अवगण बच्चियां दे, माता याद ना रखती, माता याद ना रखती अब गन बच्चियां दे, माता याद ना रखती अब गुण बच्चियां दे, माता याद ना रखती अब गुण बच्चियां दे। एक दरिया दे विच बिच्छू रुड़िया जांदा है, एक महापुरख उस बिच्छू नूं फड़दे ने, बिच्छू डंग मारदा है। जदों बिच्छू डंग मारदा है संतां दा हथ नीला हुंदा जांदा, उह फिर बिच्छू नूं फड़दे ने, उह बिच्छू फिर डंग मारदा। मुकदी गल की संतां दा रंग फिर नीला हुंदा जांदा, उह फिर बिच्छू नूं फड़दे ने। एक कोई बंदा खड़ा सी कहिंदा संत जी तुसीं वी ते भोले हो, आ किन्नू नहीं पता कि बिच्छू डंग मारदा हुंदा, तुसीं इहनूं फड़दे हो ते तुहाडा इह डंग मारदा तुहाडा हथ नीला हुंदा जांदा। संत लगे कहिण प्रेमियां इहदा कम्म है डंग मारना,
ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਅਮਰ ਛਕੋ, 360 ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਬੇਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਦ ਅਮਰ ਛਕ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪਣ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪਣ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪਣ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪਣ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪਣ ਹੋਏ ਕਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਧਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਵੇਸਵਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਰਹਿੰਦੀ ਗਣਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ। ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਣਕਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਪੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਪਈ, ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰ ਚੱਕੇ, ਚਿੱਪੀ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੀ, ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ, ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਗਣਕਾਂ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਅਚਨਚੇਤ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛੇਜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਛੇਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗਣਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਪਾਪਣ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਚਬਾਰੇ ਤੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ,
आख्या महापुरखो, महापुरखा आख्या तू कौन है बीबा? आख्या बाबा जी मैनू तो दसन लग्या शर्म आउंदी है। उस मौके महापुरखा ने कहा भी दस की गल है। इन्हें आख्या बाबा जी मैं एक वेसवा, जिंदगी दे विच कोई चंगा कर्म नहीं किया, अपना तन वेच वेच के झूठ ते पाप की कमाई कट्ठी की है। महापुरख उत्थे खलोते सन, उन्हां दे कोल इक तोता सी, वह पिंजरे विच रखते सन। अमृत वेले उठना जद तोते नूं चूरी पाउणी, उन्हां महापुरखां ने नाले कहना कि गंगा राम बोल राम, माफ करना। संतां नूं उन्हें बेनती की, महाराज मेरा भी भला हो सकता। संतां ने अंतर ध्यान हो के नेत्र खुले, आख्या इंज करी आला तोते पिंजरा लै, तोते तोते वाला पिंजरा लै, अमृत वेले उठना, इनू चूरी खवाउणी, ते ऐ करी माफ करना, ते मूँह तू दा जाप कराना गंगा राम बोल राम, गंगा राम बोल राम। आ दशहरा जेड़ा इहदा लोकां ने तमाशे बना लिया। अज दे दिन लंका दे राजे सभी ने उतार श्री रामचंद्र रावण नूं मार के आए सी। माफ करना, अज दा दिन सच दी झूठ ते पते है। मैनू किसी ने कहा कि बाबा जी ये निंदक निंदा क्यों करते ने, मैं क्या फुल बाद च आउंदा कंडे पहला आ जाते ने। माफ करना, चंदू पहला आया पंजवें पातशाह बाद च आए। माफ करना, साहबजादे बाद च आए, वजीदा खां पहला आया, कंस पहला आया, कृष्ण बाद च आया, इउं सास राम बाद च आया, रावण पहला आया। वो गुरु की संगत वो कहन लगा बाबा जी बिल्कुल सत है। करदे करदे सत पुरशां ने कहा लै बीबा, इस तोते नूं अमृत वेले उठ के इशनान करके, आप इशनान करके इनू जाप कराना, ते नाल ये कहना गंगा राम बोल राम। आख्या बचना दे पैरां दई, माफ करना जो बंदा पछताउंदा अपने कीते कर्मां ते, उहदा फिर ना मन वी जा विच ज़्यादा टिकदा। सिरे इशनान करना शुरू करता, प्रसाद संग अद्धा दा पढ़ लिओ। एक बचन कमावे संतां दे, बचन कमावे संतां दे, एक बचन कमावे संतां दे, प्रसादी पार पावेगा, प्रसादी पार। बचना दे पैरा देना शुरू कर दिता। इत्थे कई आंदे ने जी नाम की कृपा करो, नाम की कृपा करो, की नाम की कृपा करिए? जो तुहानू कहने तुसीं इत्थे छड जांदे हो। अमृत वेले सारे काम छड के अगली बारी दसवीं दे आ के फिर बेनती करो, बाबा जी हुण की करिए? अमृत वेले उठ के ना छे माला मूल मंत्र दीआं फेरो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख
निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अयूनी सहवं गुरप्रसाद जप आद सच जुगा सच है भी सच नानक उसी भी सच। ये नितन बना लो जेडे अनपढ़ ने माला मूल मंत्रियां करोगे ना ना तुहाडा कोई काम नहीं अड़ेगा, तुहाडा कोई काम नहीं अड़ेगा। पर किन्ने किन्ने थे जेडे छे माला फेरते ने, छे माला मूल मंत्र दियां फेरते ने, ਉਹ ਗਣਕਾਂ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਫਿਰ ਤੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟਣੀ, ਚੂਰੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਆਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਲੈਂਦੀ ਗਈ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਹੱਥੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਹੱਥੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਣਕਾਂ। ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ, ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਕਣਕਾਂ ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਹੱਥੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੋਤਾ ਗਣਕਾਂ ਪਾਪੜ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
कच्चे कोठे होंदे सन, अज भी हैगे ने। कबरी झड़ियां लग जांदियां बरसात दियां, जिहड़ी बरसातां दे झड़ियां लगन दे नाल उहड़े कच्चियां कंधां नूं लेपण कीते होंदे सन मिट्टी दे, लेप ही पंजाबी च कह दिंदे ने, उह लेप सन जिहड़े, उह सस झड़ी लग जांदी लेप ऐ डिगदे ने कंध दे नाल, ऐ कंध नूं निकल डिगदे ने। माफ़ करना गुरु किसन जो जिमें ओ लेव डिगदे ने, माफ़ करना गुरु की संग इस तरह जिहड़े सिमरन करदे ने ना ओह पापा माले लेव डिगदे ने लेव। माफ़ करना गुरु की संगत प्यारे जी, ओ गुरमुख लंघ जांदे ने प्यारे जी, गुरमुख लंघ जांदे ने प्यारे पाप पहाड़ा वाले, प्यारे पाप पहाड़ा पाप पहाड़ा वाले, पाप पहाड़ा वाले, लंघ जांदे ने प्यारे जी, गुरमुख लंघ जांदे ने प्यारे जी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਟਿਕਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟਿਕਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੱਗਣ 'ਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੜਗੜਾਹਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪੈਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬੀ ਸੀ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕੱਚੇ ਦੀਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਸੀ ਸਿੱਲ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਜਦ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਜਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਕ ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸੱਪ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੀ,
ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਦ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਸ਼ਕ ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਡੱਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਸ਼ਕ ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋ ਰਾਮ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋ ਰਾਮ ਉਧਰੋਂ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬੋਲ ਰਾਮ ਉਹ ਰੋਣ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਾਸਰੇ ਦੀ ਪੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਧਰੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨ ਆ ਗਏ ਜਮਦੂਤ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਸਰੰਗ ਜੀ ਸੰਤਮਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਚੱਲੀਏ ਬੇਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਪਾ ਮਾਲਾ ਪੜ ਚੈ ਗਿਆ ਜੀ ਗਣਕਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਨ ਉੱਤੇ ਪਾਪਾ ਮਾਲਾ ਪੜ ਚੈ ਗਿਆ
चली है सुखनम से बैठ के चली है सुखनम से बैठ के पापा वाला पहाड़ है गया पापा वाला चली चढ़ बेबानू इन्हें घोर नरक च गिरना सी ना जाने नरक लोग दुख भोगण तो बाद 84 लाख जूनियां च पैना सी महापुरखां की संगत बंदे का जीवन बदल दिंदी है। बाणी च तुक आउंदी है कि अजामल पापी जग जाने सारे पढ़ो अजामल पापी जग जाने निमुख माहे निस्तारा। अजामल एक राज पंडित का लड़का सी समा आग्या नहीं दिंदा पर सुन लो जिन्ना सुन लो कि उन्ना लाहा सुन नाल की मिलता सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लो पताल सुनिया पोए न सकै नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का ये तो सुनदा ही फल है। ये अजामल किसी विद्वान पंडित का लड़का सी इहदा प्यो किसी राजे नूं कथा सुनाउंदा सी इहदा प्यो चढ़ाई कर गया राजे ने अजामल नूं आख्या भी कल तू कथा तू करिया कर। इन्हें कथा करनी शुरू कीती एक मंदा बाजार सी एक दिन उस मंदे बाजार दे विचों लंघ गया राजे को लेट गया राजा कह बड़ा धर्मात्मा सी कह लगा अजामल लेट क्यों आया जी अज मेरी अख नहीं खुली। दूजे दिन फिर उस वेस उस बाजार दे विचों दी लंघिया सास लेट हो गया राजे ने समझिया भी वो कहानी है। राजे ने आख्या अजामल कल नूं कथा सुनाउण वास्ते नहीं आउणा एक कलावती नां दी वेसवा माफ करना उहदे नाल माड़े तालुकात हो गए। राजे ने अजामल ते कलावती नूं देश निकाला देता भी मेरे देश की हद तों बाहर निकल जाओ जंगल दे विच जा के जंग मांस खाणा शुरू करता जंगली जानवर मार मार के उत्थे उहदे 7 बच्चे होए। मुकदी गल की पर पिछले कीते कर्म साथ दे रहा सब एक वारी कहो है पाप तो अपनी थान ते सन कहिंदे उस जंगल दे विच 7 बच्चे होए एक कमाई वाले महापुरख किते कलावती दे घर गए अगे अजामल शिकार करन गया सी मुकदी गल की कलावती ने जल पानी की सेवा की अगे फिर दौड़ के गई अजामल नूं कहिंदी है अज आपां ना मांस वाला खाना नहीं तैयार करना महापुरख घर आए ने ते अज मतलब वैष्णो खाना तैयार करना। वो मुकदी गल की तू घर महापुरखां दे कोल आया दर्शन किते साध संग जी जिवें सियाणा मरीज अपने सारे दुख डॉक्टर दे के खोल के रख दिंदा ना इस तरह अजामल ने अपनी कहानी खोल के जिंदगी दी महापुरखां दे अगे रख दिती महापुरखो कि मेरा भी भला हो जाएगा मेरा भी भला हो जाएगा जिंदगी च मैं आ कर्म किते ने। उन्हां महापुरखां ने अंतर ध्यान हो के वेख्या कह लगे हाँ जिंदगी भी तेरी थोड़ी है पर कह तू ऐ करी तेरे घर एक बच्चा जन्म लवेगा उहदा नाम रख ली रख दी नारायण उहदा नाम रख दी नारायण ते मुकदी गल की माफ करना वाहिगुरू भला करेगा। मुकदी महात्मा उपदेश करके चले गए
समा पा के ते अठवें बच्चे ने जन्म लिया, उहदा नां नारायण रखिया। वो बच्चा दूजे बच्चा नालों खूबसूरत सी, प्यारा सी, उहनूं इह बड़ा प्यार करदा, नारायण नारायण बेटा नारायण। कहिंदे अंतम समा आ गया लैण वास्ते जमदूत आ गए। उन्हें कोई जाप नहीं सी कीता, लैण वास्ते भगत रविदास ने कहा कि तुमरो भजन कटे जम फांसा, तेरा जिहड़ा भजन है वह जम की फांसी नूं कट दिंदा। उस साध संगत जी जमदूत लैण वास्ते आ गए। जदों जमदूत लैण वास्ते आ गए ते कंब उठिया, कहिंदा बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। नारायण ना परमेश्वर दा, ओ नारायण ना सुन के जमदूत वापस चले गए ते देवते आ गए। बाणी च तुक आउंदी है, उन्हें कोई नारायण दा जाप नहीं सी कीता। एक वारी कह दिओ वैरू, उहदे अपने पुत्र दा नाम महात्मा जुगती दस गया सन कि तू नारायण ना रख दी ते परमेश्वर भला करेगा। बाणी च तुक आउंदी है, पुत्र हेत नारायण कहो, सारे पढ़ो पुत्र हेत नारायण। बच्चे दे मोह च नारायण कहा, जम कंकर मार बदारे, जम कंकर मार बदारे, बच्चे दे मोह करके पुत्र करके। और तुहानू ताए रुले आए, बच्चा ने ना रखिया करो, बच्चा ने ना रखिया करो। अजीत सिंह चुचार सिंह, बच्चा ने ना रखिया करो, माफ करना वो तो नाम दी इन्नी महिमा है, माफ करना पुत्र हेत नारायण कहो, माफ करना पुत्र दे मोच नारायण कहा। कि क्या जम कंकर मार बदारे, एवें नहीं कहा किणका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गणी न आवै। इस तरह इहदा भला हो सकदा। इस तू अगे स्टेजा ने रूहानीयत मारफत दे रूहानीयत मारफत ते चलन वाले फकीरां ने, संतां भगतां ने, रब नूं मिलण वालिआं ने जुगतियां बनाईआं ने। स्वास सिमरन करना, फिर बै माफ करा जिहनूं बैरी बाणी दा, फिर अगे बै जिहनूं बैरी बाणी दा सिमरन किया, फिर मधमा बाणी दा जाप है, फिर परा बाणी दा जवाब है, फिर त्रिकुटी जाप है, फिर दसम द्वार द्वार जाप है, जिथे जाकर हरजू गुफा अंदर रख के वाजा पौन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया उत्थे अनहद वाजे तुल वजदे, दिन रात वाजे वजदे ने जिन्हां दी अपनी अवस्था है। वाजियां तों अगे भी सिमरन करदे करदे सुरत चली जांदी। निरंकार परमेश्वर दे देश विच उत्थे जे कोई फुरना बन गया ना, कोई इच्छा बन गई, वह जदे पूरी हो जाती है। तदे क्या खालसा जी। वजदा है जी वाजा पौन दा वजाया, वजदा है वाजा पौन दा वजाया, तो अगे वह अवस्था आ जाती है जिमें पानी की बूंद पानी मिल के समुद्र मिल के समुद्र का रूप बन जाती। तदे दशमेश जी कहते हैं हर हर दो जन एक है, बिंब विचार किश नाहे, जल ते उपज तरंग जू जल ही विखे समाए। उत्थे जाके ये परमेश्वर दे विच मिल के कबीर तू तू करता तू हुआ मुझमें रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू।
खैर हुण इन्ने की शब्द प्रवान करो, असीं ते चाहुंदे आ तुसीं ओड़ारियां मारो हर माई भाई, आ तुहाडी जिहड़ी जिहड़ी माया छाया है ते दान पुन नहीं कीते ये भी किसे कम नहीं आउणी। एक वारी कह दिओ वैरू, ते बाकी रही माया दी गल ते उस दिन खत्म हो जानी है। बाबा जी कहिंदे ने बाबा माया साथ ना होए ए माया जग मोया फिरला बूझै कोए। माया ने संसार नू ऐ लपेटे मारे ने जिवें सपनी बंदे नू लपेटे मार लवे हिलण नहीं दिंदी। इस तू अगे खालसा जी कीमत आ पैनी है, किन्नी सतसंगत कीती है, किन्ना नाम जपया, किन्ना भजन कीता, इस समय की दरगाह दे विच कीमत पैनी है। हुण इन्हें शब्द प्रवान करो, साध संगत जी ये अवस्था सारिआं दे अंदर है, ये आनंद सारिआं दे अंदर है। जिन चाखिया से जन तृपताने पूर्ण पुरख नहीं डुलाने, इन्हें शब्द करो प्रवान, अरदास तू बात सुन के जाया करो। पता नहीं जदों अरदास हुंदी है हाजरी पैंदी है, एक गल नोट कर लो, पता नहीं इन्नी संगत विच्चों किहदी अरदास परमेश्वर दे घर सुनी जाती है, वह बाकी संगत का बेड़ा पार हो जाता, बाकी संगत का भी बेड़ा पार हो जाता। अरदास है जिहड़ी सुन के फिर जाया करो। हुण आनंद साहब का पाठ करो, अगली दसवीं का टाइम दो तू तीन होएगा, दिन अगे छोटे हो गए ने, अगली दसवीं का टाइम दो तू तीन होएगा। जिहड़ियां संगतां ने दूर नेड़े दियां टाइम नाल आया करो, जिन्हें मिलना है उन्हां नू 10 बजे तो लै के अपने 9 to 11, 12 to 1 बजे तक वो मिल सकते ने। इन्ने शब्द प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का